खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर एनटीपीसी के बाहर किसानों ने जमीन अधिग्रहण के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन को देखते हुए वहां पहले से भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों और किसानों के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। यहां पर पुलिस कर्मियों ने किसान प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, ताकि किसानों को तितर बितर किया जा सके। लगभग 24 गांव के किसानों ने एनटीपीसी के गेट के बाहर जमकर हंगामा किया। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया था, ताकि कोई भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। बता दें कि साल 1984 में एनटीपीसी ने किसानों की जमीन अधिग्रहण की थी, और किसानों का आरोप है कि कुछ किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें ऊंची दरों पर मुआवजा दिया गया और बाकी किसानों को कौड़ियों के भाव में उनकी जमीनों को ले लिया गया, जिसके चलते किसान पिछले काफी समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं, उनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। किसान मुआवजे का जो समान दरों पर उसकी मांग है, वो लगातार करते रहेंगे।